हमारे पास क्या है, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स एक बार आया, कब कब आया था भाई पहली बार कंडक्टर? जब मैं जब शेल 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 सॉलिड शेल, हॉलो शेल, टू थिन शेल्स, कनेक्टिंग शेल्स, अर्थिंग शेल्स, फिर आया प्लेट, प्लेटों पर डिस्ट्रीब्यूशन, कनेक्टिंग प्लेट, अर्थिंग प्लेट नहीं, बाहर नहीं जाए, अर्थ नहीं करेंगे प्लेट को, ठीक है? क्या नहीं करेंगे? प्लेटों को अर्थ नहीं करेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें। अर्थ पे पोटेंशियल जीरो बोलते हो ना, लेकिन प्लेट का तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता था, पोटेंशियल तो डिफाइंड ही नहीं था, तो फिर तुम क्या करोगे? इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो बोल नहीं सकते, तो अर्थ करने वाले केस में क्या करेंगे? लेट्स लीव इट, ओके, लेट्स लीव इट। सो दिस फर्स्ट वाज कंडक्टर्स इंट्रोडक्शन, सेकंड वाज कंडक्टर्स रिलोडेड, नाउ दिस इज कंडक्टर रिवोल्यूशंस, ओके, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स रिलोडेड, मैट्रिक्स रिवोल्यूशन। सो दिस इज द कंडक्टर रिवोल्यूशंस, दिस इज कंडक्टर रिवोल्यूशंस। लेट अस से वी हैव अ क्वेश्चन, लेट अस से वी हैव अ, ये सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, साथ के साथ लिखते जाओ, रेडियस आर है, रेडियस आर है, और कह दिया मान लो ये इनिशियली, इनिशियली अनचार्ज्ड है, क्या है? इनिशियली अनचार्ज्ड है, और एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज रख दिया, एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज रख दिया, और ये पॉइंट सेंटर हो गया, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, और एक और पॉइंट लेके बैठ गया वाई डिस्टेंस पे, लेट अस से वाई डिस्टेंस पे, लेट अस से दिस इज वाई डिस्टेंस, और ये पॉइंट हो गया से बी, हाँ या ना? ये पहले आया था क्वेश्चन, अभी गंदे रूप में आएगा। इसमें हमने क्या सोचा था? हमने ये सोचा था इसके कारण फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती थी, रेडियली आउटवर्ड होती थी, तो यहां पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स ऐसे लगेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स ऐसे लगेगा, तो नेगेटिव चार्जेस यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा पार्ट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर बनेंगी नहीं, तो हम कहेंगे वो फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, कंडक्टर के सरफेस पे फील्ड इज परपेंडिकुलर, तो वो फील्ड लाइंस ऐसे चली जाएंगी सरफेस पे, फिर सरफेस से परपेंडिकुलर निकल के दूर से ऐसे होंगे जैसे कि, हाँ जैसे 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 कि जैसे कि यहां से ये वाली आ रही हो, बस बीच में जंबल्ड सी होगी, बीच में थोड़ी जंबल्ड सी होगी, हाँ या ना? तो क्या क्या कंक्लूड कर सकता हूं मैं क्या क्या कंक्लूड कर सकता हूँ? फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, देयर इज नो फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। यहां पर अगर मैंने पॉइंट चार्ज क्यू रखा था एक्स डिस्टेंस पे, तो आई कैन कंक्लूड कि यहां पर कुछ नेगेटिव चार्ज आया था सरफेस पे, और ओवरऑल इस पे कुछ यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी बड़े रीजन में आया होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि ये अगर माइनस स्मॉल क्यू है तो ये ओवरऑल प्लस स्मॉल क्यू रहा होगा, क्योंकि इनिशियली अनचार्ज था, क्योंकि इनिशियली अनचार्ज था। क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर इस पॉइंट ए पे फील्ड कितनी हो जाएगी बाहर वाले के कारण, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, तो इंड्यूस वाले के कारण कितनी हो जानी चाहिए कि वो कैंसिल कर दे, और क्या कह सकता था, वाई डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस पे कह सकता हूं इसके कारण फील्ड कितनी हो जाएगी, KQ upon X square plus Y square, तो E induce ऐसे हो जाएगा कि वो external वाले को cancel करते। क्या मैं इस point पे field निकाल सकता हूँ? Actually नहीं, क्योंकि इसकी तो लिख दो कि KQ by R square, but induce वाले के कारण यहाँ पर थोड़ी निकलेगी, क्यों? Shell का result लगाओगे, वो shell का result uniform shell पे होता था। अगर ये शेल भी देखा जाए कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म शेल, तुम शेल के रिजल्ट थोड़ी लगा सकते हो, शेल का नहीं कहते थे कि हॉलो शेल जो होता था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती थी वो यूनिफॉर्म पे था भाई, यूनिफॉर्म पे कहते थे कि अंदर पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है के क्यू बाय आर, बाहर पोटेंशियल होता है के क्यू बाय एक्स, बाहर फील्ड क्या होती है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, अंदर फील्ड होती है जीरो, अंदर फील्ड जीरो हो रही है नहीं तो, ये तो नॉन यूनिफॉर्म शेल है भाई, इसका जो सरफेस वाला डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो ऐसे आ रहा है, उसके कारण फील्ड तो यहां पर ऐसे आ रही है,
यहाँ पे अलग ही कुछ आ रही है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो यूनिफॉर्म वाला रिजल्ट है वो इसमें थोड़ी लग जाएगा। तो इस पॉइंट पे कहना है रियली फाइंड फील्ड, नो बिकॉज आई कांट फाइंड फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू द इंड्यूस वाला चार्ज। अब यहां पे कहा कि क्या मैं ए पॉइंट पे पोटेंशियल लिख सकता हूं, पोटेंशियल एट ए, कैन आई से दैट इज पोटेंशियल एट ए ड्यू टू बाहर वाला क्यू प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू सरफेस वाला इंड्यूस्ड। मैंने कहा ये तो लिख दूंगा पहली क्वांटिटी के क्यू बाय एक्स, मैंने कहा ये वैल्यू कैसे लिखूं, शेल वाला रिजल्ट तो लगेगा नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, नहीं लिख सकता। मैंने कहा लिख सकते हैं, कैसे, ये पॉइंट चार्ज सेंटर से कितनी दूरी पे है, आर पे, तो के डी क्यू बाय आर, के डी क्यू टू बाय आर, के डी क्यू थ्री बाय आर, के डी क्यू फोर बाय आर, के डी क्यू फाइव बाय आर, के डी क्यू सिक्स बाय आर, के डी क्यू सेवन बाय आर, के डी क्यू एट बाय आर, के डी क्यू नाइन बाय आर, के डी क्यू टेन बाय आर, है जीरो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो सारे इक्वी डिस्टेंट है और टोटल चार्ज कितना था। तो ये मैंने क्या फंडा बोला के समेशन ऑफ डी क्यू बाय आर, और समेशन ऑफ डी क्यू बाय आर ये कब लिख पा रहा हूं, बिकॉज ऑल पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, और ये समेशन डी क्यू कितना हो गया जीरो, क्योंकि ओवरऑल चार्ज सरफेस पे क्या हो जाएगा टोटल जीरो है, क्योंकि ये माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एट ए कितना हो गया के क्यू बाय एक्स। अब दिमाग में आए कि यार ये तो सरफेस का था, दूसरे पॉइंट पे ऊपर वाले पॉइंट पे इस वाले पॉइंट पे यहां पे तो निपट गए ना, यहां पे तो निपट गए। अगर कोई कहे पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी इज पोटेंशियल एट बी ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू इंड्यूस्ड, यार ये तो नहीं निकलेगा, क्योंकि बी से सरफेस वाले पॉइंट्स आर नॉट इक्विडिस्टेंट, ये अलग डिस्टेंस पे, ये अलग डिस्टेंस पे, ये वाला चार्ज अलग डिस्टेंस पे, ये चार्ज अलग, और ये 3D में है, ये अलग डिस्टेंस पे, ये अलग डिस्टेंस पे, ये अलग डिस्टेंस पे, तो निपट गए यार, ये तो निकलेगा नहीं, ये निकल जाएगा, ये वाली क्वांटिटी निकल जाएगी, कितनी के क्यू बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नहीं निकलेगा। दिस इज पोटेंशियल एट बी ड्यू टू इंड्यूस्ड, हाँ या ना, वो यही पूछेगा। मैं कह सकता हूं कंडक्टर के सेंटर पे पोटेंशियल निकल गया, कंडक्टर के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं, ये भी के क्यू बाय एक्स ही होगा, कंडक्टर के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं, जो सेंटर का पॉइंट है उसका पोटेंशियल निकल गया तो यहां का नेट पोटेंशियल तो वही होगा। तो ये चीज तो पहले ही बता दी, फिर दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी इज दिस क्वांटिटी। अब मैं अजीब सी चीज बताने वाला हूं, इधर देखो, टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इफ आई हैव अ कंडक्टर विद अ कैविटी, विद अ कैविटी, आई हैव अ कंडक्टर विद अ कैविटी, कैसा भी कंडक्टर हो ये, इसमें कैविटी है, इस पे हो सकता है चार्ज दिया हो, इस पे चार्ज हो सकता है
ना दिया हो, नहीं नहीं कंडक्टर पे, कंडक्टर हो सकता है न्यूट्रल हो, कंडक्टर हो सकता है चार्ज हो, इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे भी रख सकते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, नॉन यूनिफॉर्म में रख दिया, मैंने इसे कंडक्टर विद अ कैविटी इज प्लेस्ड इन, कंडक्टर विद अ कैविटी इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड आई एम सेइंग देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड कैविटी, मतलब मैंने अलग से कोई चार्ज कैविटी के भीतर नहीं रखा, अलग से कोई चार्ज कैविटी के भीतर नहीं रखा, तो मैं शायद बोल सकता हूं कि यहां पे तुमने कोई एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, किसमें रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो शायद चार्ज यहां पर रख दो कोई, तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण यहां पे कुछ इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव। फिर दिमाग में आया ऐसे ही कि शायद पॉजिटिव यहां इंड्यूस हो जाना चाहिए, फिर दिमाग में आया कि जब ये पॉजिटिव इंड्यूस कर रहे हो तो उसमें फ्लॉ आ गया, फ्लॉ क्या आ गया, फ्लॉ गड़बड़ आ गई, मैंने कहा कि गॉशियन सरफेस बना लूं ऐसे, इस गॉशियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो है, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर, और फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए का इंटीग्रल, तो फ्लक्स जीरो तो चार्ज एनक्लोज भी जीरो, और चार्ज एनक्लोज जीरो तो तुमने यहां पर प्लस क्यू वन माना तो तुम्हें नेगेटिव भी सरफेस पे ही इंड्यूस करना पड़ेगा माइनस क्यू वन, और फिर यहां पर तुमने माइनस क्यू टू माना तो तुम्हें कुछ प्लस क्यू टू भी इंड्यूस करना पड़ेगा, यहां तक का समझ में आया। फिर मैंने कहा अगर कैविटी के अंदर आपको चार्ज को अलग से रखा नहीं था और मैंने अज्यूम कर लिया कि कैविटी के कुछ पार्ट पे पॉजिटिव इंड्यूस हो गया, कुछ पे नेगेटिव इंड्यूस हो गया, अंदर फील्ड लाइंस क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज, अंदर कोई चार्ज है नहीं कैविटी के अंदर, अंदर कोई और चार्ज नहीं है अलग से, तो फील्ड लाइंस अंदर होंगी तो कैसे होंगी, सरफेस टू सरफेस, हाँ तुम बोगे ऐसे क्यों बनाई, मैंने कहा और कैसे बनाऊंगा, बस इसको परपेंडिकुलर छोड़ेंगी और परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेंगी यहां पर, लेकिन होंगी तो सरफेस टू सरफेस, हाँ या ना, इससे मैं कह सकता हूं इस पॉइंट को ले लूं अगर मैं M और इस पॉइंट को ले लूं N, तो क्या मैं कह सकता हूं Vm माइनस Vn इज ग्रेटर देन जीरो, कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड के अलोंग चलूंगा तो वही पाथ ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलने का, E डॉट dr का समेशन करूंगा, E डॉट dr का समेशन क्या आ जाएगा, E मैग्नीट्यूड dr मैग्नीट्यूड, E dr cos 0, E dr cos 0, E dr cos 0, तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव आना चाहिए, ये पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये चीज ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, इससे मैंने प्रूव कर दिया Vm इज ग्रेटर देन Vn, लेकिन हाँ अलोंग द लाइन डिक्रीज होता है, उससे भी सोच सकते हैं, वो ऐसे ही तो प्रूव किया था, अगर याद आ रहा हो तो, फील्ड लाइन के अलोंग चलो तो हर पार्ट पे छोटे छोटे पार्ट पे चलोगे तो E डॉट डी आर E1 डी आर 1 cos 0, E2 डी आर 2 cos 0, E3 डी आर 3 cos 0, हाँ या ना, कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका है, कैसे, इस पाथ के अलोंग चला फील्ड लाइन के अलोंग तो पोटेंशियल में ड्रॉप आना चाहिए, और अगर मैं इस पाथ के अलोंग चल पड़ू तो जीरो आना चाहिए, क्योंकि हर जगह पाथ पे E जीरो है, हाँ अंदर E जीरो है हर जगह, तो E डॉट dr का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जीरो, तो इसका मतलब Vm शुड बी इक्वल टू Vn, वो तो वैसे भी ऐसे तो प्रूव किया था कि कंडक्टर का ईच पॉइंट इज सेम पोटेंशियल, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो इसका मतलब इस कैविटी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस नहीं है, इसका मतलब
कि अगर कोई कंडक्टर लोगे विद अ कैविटी और तुम कैविटी के अंदर अलग से चार्ज नहीं रखोगे और उसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दोगे तो अंदर भी E जीरो ही होगा, कैविटी के भीतर भी। क्यों? क्योंकि अगर अंदर चार्ज इंड्यूस होते हैं तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, क्योंकि अंदर फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंड्यूस होने पड़ेंगे और दोनों इंड्यूस होंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर भी E जीरो है और यहां पर कैविटी के अंदर भी E जीरो है। एंड अगर किसी ने कहा कैविटी के अंदर E जीरो है तो अंदर अंदर फिर फील्ड लाइन भी नहीं है, अंदर फील्ड लाइन भी नहीं है तो अंदर पोटेंशियल भी कॉन्स्टेंट है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज बेसिकली बिहेविंग लाइक अ सॉलिड कंडक्टर? कैविटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इट इज बिहेविंग लाइक अ सॉलिड कंडक्टर। तो यहां पर ऐसे मान सकते हैं इसका मतलब बाहर का इफेक्ट अंदर यहां पर भी कट रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कट रहा है मतलब कि जो इंडक्शन होगा पहले तो वो सिर्फ आउटर सरफेस पे होगा, पहली चीज तो ये इंडक्शन जो भी होगा वो आउटर सरफेस पे होगा। और इस पॉइंट पे भी तुम ये कह सकते हो कि E एक्सटर्नल इज इक्वल टू E इंड्यूस्ड, E एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू E इंड्यूस्ड एंड यहां का पोटेंशियल इज सेम एज यहां का पोटेंशियल। तो दिस इज द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तुम कहोगे इसमें शील्डिंग का क्या फंडा हुआ? शील्डिंग का फंडा ये हुआ कि मान लो बाहर बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कैविटी के अंदर कोई चीज रख दूं तो उस पे फील्ड का इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं समझे? मतलब फिर सोचते हैं, मान लो ये बादल हैं, क्लाउड्स हैं और ये अर्थ है। होता क्या है, लाइटनिंग क्यों होती है? क्योंकि क्लाउड्स पे कुछ चार्ज आ जाता है और अर्थ पे कुछ चार्ज उसका उल्टा इंड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। कैसी बनती है? पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उससे हो सकता है आयनाइजेशन। क्या हो सकता है? आयनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? यहां पर मान लो एयर का एटम है कोई, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे, इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगी तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, एस्केप्स टू इंफिनिटी। हाइड्रोजन लाइक होता है तो एनर्जी लिख सकते हैं 13.61 - 1/∞2। हाइड्रोजन लाइक के लिए फॉर्मूला होता है 13.6Z² / N² एनर्जी होती थी, याद आ रहा है? तो ये इजेक्ट हो गया इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से क्योंकि इसमें लगा फोर्स। और जब ये इजेक्ट हो गया तो मैंने कहा यहां पर और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे मान लो एटमॉस्फेयर में, तो वो डी एक्साइट होके यहां पे आ जाएंगे कैविटी को इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। और जब वो इन्फिनिटी से यहां आएंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे एच न्यू वाली, तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे तो वही तो लाइटनिंग होती है। नहीं समझ में आ रहा? व्हाट इज लाइटनिंग? हाउ इज फोटोन क्रिएटेड इफ यू थिंक ओवर इट। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होते हैं। तुमको कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में क्यों आए? मैंने कहा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं आए, अगर तुम्हारे ऊपर क्लाउड्स हैं उनमें बहुत बड़ी कुछ चार्ज आ गया पॉजिटिव या नेगेटिव और नीचे जमीन पे कुछ अपोजिट चार्ज आ गया तो बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई तो वहां पर एयर के पार्टिकल से क्या हुआ, एटम से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी हाई होनी चाहिए और वो इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो और इलेक्ट्रॉन जो डी एक्साइट होके अंदर गिरे उन्होंने एनर्जी रिलीज करी और वो एनर्जी रिलीज करी तो वो अगर विजिबल स्पेक्ट्रम में है तो लाइटनिंग हो रही है। तो लाइटनिंग किस कैसे होती है? हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से होती है। अब तुम वहां पे खड़े हुए थे तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से निकल के चले जाएं और फिर जो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे या जो डी एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन आएंगे वैकेंसी को फिल करने वो एनर्जी रिलीज करेंगे जिससे तुम जल जाओगे। तो आइडिया इज कि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं बैठना क्योंकि तुम्हें लाइटनिंग होगी वहां पर तो तुम भी मरोगे। तो क्या करा जाए? तो यहां पर कूड़ेदान का डब्बा था, मेटल वाला, प्लास्टिक वाला नहीं, मेटल वाला,
तो उस मेटल वाले कूड़ेदान के डब्बे में मेटल की एक कैविटी हो गई, इसके अंदर जाके आधार को बिठा दो। अगर ये यहां बैठ जाएगा तो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का असर अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस कंडक्टर विद अ कैविटी विल बिहेव लाइक अ सॉलिड कंडक्टर एज लॉन्ग एज आधार डज नॉट टेक चार्ज विद हिमसेल्फ। क्योंकि अंदर अंदर इंडक्शन कब हो सकता है? सिर्फ जब अंदर चार्ज कैविटी के अंदर रखा हो। वो चार्ज लेके तो गया नहीं, तो इसका मतलब बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का असर अंदर नहीं जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। कैविटी के अंदर फील्ड जीरो होगी, कैविटी के अंदर भी पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो बाहर का इफेक्ट अंदर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया? यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। तो एग्जैक्टली तो कार के अंदर जाके बैठ जाओ, कूड़ेदान में मत बैठना। कहां बैठ जाओ? कार में बैठ जाओ। तो कार इज अ मेटल कंडक्टर विद अ कैविटी। तो जब बिजली गिर रही हो तो कहां जाके बैठना है? गाड़ी के अंदर जाके बैठना। समझ में आया? आई हैव प्रूव्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग के ऊपर क्वेश्चन आते कैसे आ सकता है? शील्डिंग में क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक सॉलिड, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, नहीं नहीं स्फीयर नहीं है, उसके अंदर कैविटी भी है, लेकिन कैविटी में मैंने चार्ज नहीं रखा, मैंने यहां पर x डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज रखा। बताओ इंडक्शन कैसे होगा? मैं कहूंगा यहां पर इंडक्शन सिर्फ बाहर वाले पे होगा, माइनस स्मॉल क्यू, और अगर ये न्यूट्रल था, अगर ये न्यूट्रल था तो प्लस स्मॉल क्यू। सेंटर पे इंड्यूस चार्ज के कारण फील्ड बताओ। मैं कहूंगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर तो एक्सटर्नल हो गई और इंड्यूस की इसको काटेगी। तुम कहोगे कैविटी के अंदर है कंडक्टर, मैंने कहा दिस बिहेव्स लाइक अ सॉलिड कंडक्टर। यहां पर पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा? के क्यू बाय एक्स। ये पिछला क्वेश्चन ही बन गया बेसिकली, कि यहां पर वाई पे पूछे तो यहां पर भी मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल नेट कितना होना चाहिए? के क्यू बाय एक्स ही होना चाहिए। यहां पर भी दैट शुड बी के क्यू अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस एट दैट पॉइंट। मतलब ये क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम एज लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, जबकि देखने में इतना डरावना लग रहा है। क्यों? क्योंकि दिस कैविटी इज नॉट प्लेइंग एनी रोल, इट इज एज इफ दिस इज अ सॉलिड कंडक्टर।